हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि वास्तु के हिसाब से जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। पुरुषों के शरीर के बनावट और शरीर में मौजूद कुछ निशानों के आधार पर पुरुषों के जीवन और भाग्य और उनके अनुसार बन रहे संयोग के बारे में बताया गया है। पुरुषों के शरीर पर कुछ ऐसे निशान या फिर उनके कुछ ऐसे लक्षण जिनके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि वह पुरुष बहुत ही भाग्यशाली है। जन्म से ही आपके शरीर या कुछ खास निशान बने हुए हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। या ऐसे निशान होते हैं जो पुरुष की बुद्धि और तीव्रता के बारे में बताए जानेंगे। जिनमें कुछ या खास लक्षण होते हैं वह अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है और इनका साथी और इनका परिवार इसे हमेशा खुश रहता है। अगर किसी भी पुरुष के शरीर के कुछ खास जगह पर ये निशान होते हैं तो उसके जीवन में धन से संबंधित सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। साथ ही जिन पुरुषों की छाती पर बाल होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आखिर इसका क्या अर्थ है, या आपके लिए शुभ है या आपके लिए अशुभ है, आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, पैसों की ज़रूरत तो सभी को होती है, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो। धन के बगैर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। धन से किसी भूखे की इंसान की भूख को मिटा सकते हैं। जीवन में धन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कुछ खास निशान से हमें पता चलता है कि पुरुष को किस्मत में कितना धन लिखा हुआ है। आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं, चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिखिएगा और माता लक्ष्मी के दरबार में आपकी हाजिरी अवश्य लगाइएगा। तो उसके अंदर सबसे पहली बात नंबर पर आता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की हथेली के बीचों बीच का हिस्सा लाल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बताया गया है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। अगर यह अपने दिल से मेहनत करे तो यार बहुत जल्द ही धनवान हो सकते हैं। थोड़ी सी आलस इनका भाग्य चमकने से रोक सकती है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो आलस को काबू में करना होगा। नंबर दो पर है, जिस पुरुष के प्यार कोमल माशाल्लाह यानी कि भरे हुए रक्त लाल रंग के होते हैं और उनके पैसे से पसीने निकलते हैं तो ऐसे पुरुष अपने जीवन में सभी तरह की सुख सुविधा प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर ऐसे पुरुष अपनी ज़िंदगी में बिना रुके निरंतर काम करते हैं, कोई नहीं, बहुत जल्द उन्हें सफलता प्राप्त होती है। नंबर तीन पर है, जिन पुरुषों की जांघ लंबी होती है और मोटी होती है उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। मजबूत जांघ वाले पुरुष शरीर से ताकतवर होते हैं और अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है उनको। बस उन्हें कोई काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। नंबर चार पर है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष की गर्दन छोटी और सामान्य होती है तो ऐसी गर्दन वाले लोग विवाह के बाद धनवान हो जाते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। जीवन में ज़्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। वह कहावत भी सुनी होगी कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। इनका जीवन साथी उनके लिए लक्ष्मी का स्वरूप बनकर उनके घर आता है। नंबर पाँच पर है, यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है तो वह सभी से प्राप्त करता है। पुराणों में जिस व्यक्ति की नाभि गोल और गहरी होती है वह अपने जीवन में सदा सुखी रहता है। नंबर छः पर है, जिस पुरुष की पीठ पर ज़्यादातर बाल होते हैं वो पुरुष अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त करता है और वो धनवान और भाग्यशाली होता है। धन धान्य इनकी और अपने आप खींचे चला जाता है और अपने घमंड को काबू करके रखे, वरना इनका घमंड इन पर हावी हो सकता है।
नंबर 7 पर है, यदि किसी भी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली या फिर अंगूठे वाली उंगली के पास लाल रंग दिखाई दे तो वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 8, यदि किसी पुरुष के पैर की सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं और उनके दिल में सभी के लिए बहुत दया होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इन पुरुषों के बारे में जिनकी छाती पर बाल होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आखिर क्या मतलब होता है इसका। नंबर 1, जिन पुरुषों की छाती पर अधिक बाल होते हैं ऐसे पुरुष दूसरे पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा दिमागदार होते हैं। इन लोगों का जन्म ही पैसा कमाने के लिए होता है या अपने दिमाग में घर बैठे ही बहुत सारा पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं या अपने दिमाग से लोगों को अपने इशारों पर नचा सकते हैं या अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है। ऐसे लोग अगर अपना कारोबार करते हैं तो उन्हें इसमें बहुत सफलता प्राप्त होती है, बस इन्हें धैर्य के साथ दिमाग से काम लेना होगा तो वो अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। यही होते हैं पुरुषों के लक्षण। नंबर 2 पर आता है वो पुरुष जिसके अनुसार छाती के ऊपर बाल वाले पुरुष कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। यह लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और यह लोग कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं और बोलना चाहें तो भी नहीं बोल सकते। यह लोग किसी का साथ पिछल कपट करने की मंशा कभी नहीं रखते। जिस पुरुष के बीच छाती पर बाल होते हैं वह बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते या किसी को भी धोखा नहीं देते हैं, लेकिन कई बार अपनी अच्छाई इनके लिए हानिकारक साबित हो जाती है। साथ ही उनके अच्छे स्वभाव के कारण समाज में उनकी बहुत इज्जत होती है और उनके पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं रहती। छाती पर बाल होना एक सच्चे मर्द की निशानी होती है। छाती पर बाल होने से महिला उनसे आकर्षित होती है। जिन पुरुषों के बीच छाती पर बाल होते हैं वह बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। और दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य से लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।